ये वेलकम बैक गाइस एंड केयर पॉकेबॉय। तो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल चैलेंज के बारे में। गाइस ग्लोबल चैलेंज क्या है और क्या है अल्ट्रा बोनस, और स्पेशली गाइस म्यूटू के बारे में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस पहले बात करते हैं ग्लोबल चैलेंज के बारे में। गाइस ग्लोबल चैलेंज गाइस, जैसे कि गाइस हमने दो फेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, सफारी जोन के बाद एक डॉरमुंड सफारी जोन के बाद, उसके बाद एक सफा योकासुका सफारी जोन के बाद। तो गाइस इस बार भी और एक फेस्ट हुआ है गाइस, मतलब फेस्ट नहीं ग्लोबल चैलेंज में गाइस, या जिसमें तीन लेजेंडरी बर्ड्स जो पता ही मोल्टस आर्टिकुन डैबडोज जो इस बार आए हैं ग्लोबल चैलेंज पे गाइस, बस इन तीनों के डे अनलॉक हो चुके हैं गाइस, और बहुत से लोग को शाइनी मिल भी चुके हैं और बहुत से लोग को नहीं मिले। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि इस बार शाइनी फॉर्म्स मिलने वाले हैं गाइस। और ये स्टार्टेड हो रहा है, ये 13 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये 20 सितंबर तक रहेगा। हालांकि इंडिया के लिए अलग इस बार डेट है गाइस, ग्लोबल चैलेंज स्टार्ट हो रहा है गाइस 14 सितंबर को और ख़त्म होगा 21 सितंबर को। या इंडिया के लिए अलग टाइमिंग है गाइस वेट करने के लिए गाइस, तो खूब वेट कीजिए गाइस, क्योंकि आप अगर आपको जो नहीं मिला है गाइस उस पर फोकस करेगा, आपको शाइनी मोल्टस नहीं मिला तो आप मोल्टस पे फोकस करिए, आपको आर्टिकुलो नहीं मिले या आपको शाइनी जैबडोस नहीं मिला तो आप फोकस करिए गाइस, और आपको 110% आपको मिल जाएगा। सो गाइस हमने इनके डे भी अनलॉक कर चुके हैं गाइस, तो बहुत से लोग को नहीं मिल पाया तो उनके लिए अच्छा ही मौका है, क्योंकि इसके बाद से शायद लेजेंडरी बर्ड्स नहीं आए पोकेमोन के गो में, या तब देखते हैं नंटिक क्या करता है। सो गाइस अगर आप नहीं पकड़े तो ये पकड़ लीजिए, ये एक अच्छा मौका है। और ये नॉर्मली मत रेड रहेंगे गाइस, ये उस तरह का रेड नहीं रहेंगे जिस तरह आप सोच रहे 3 घंटे की, उस तरह के रेड नहीं रहेंगे, नॉर्मली रेड जिस तरह बेटा ये रॉक का चल रहा है वह उसी तरह का रेड होगा, जिससे आप इन लोग का रेड करके आप अगर आप लकी लिया तो आपको शाइनी मिल सकता है। तो आप खूब ध्यान दीजिए कि किस में कौन कौन सी टीम्स में रेड हो रहे गाइस, और रेड करिए, क्योंकि इस बार ग्लोबल चैलेंज में बहुत ही मज़ा आने वाला है लेजेंडरी बर्ड्स पे। तो गाइस अब ये तो हुई लेजेंडरी बर्ड्स की बात, गाइस अब बात करते हैं म्यूटू डे के बारे में। या गाइस म्यूटू गाइस द मोल्टस जो अभी मोल्टस आर्टिकुलो टैटू ग्लोबल चैलेंज में है गाइस, ये जैसे ही चल जाएंगे उसके बाद से वो म्यूटू का आ जाएगा इवेंट या गाइस, और ये पोकेमोन गो में पहली बार हो रहा है गाइस कि म्यूटू हमें बिना ईएक्स पास का मिलेगा गाइस, वजह मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, म्यूटू हमें बिना ईएक्स पास का मिलेगा, क्योंकि आई थिंक म्यूटू इसके बाद से ईएक्स रेड में नहीं हुआ या गाइस, एंटिक ने कहा है कि ईएक्स रेड में अब डिऑक्सी को डालेगा या गाइस, क्योंकि जनरेशन 4 आ रहा है, तो अब जनरेशन 4 एक न्यू अपडेट के साथ है, तो वो सोचेंगे डिऑक्सी को डालेंगे अब ईएक्स में, अब क्या पता वो अगले साल होगा या फिर म्यूटू के लिए रेड के बाद होगा गाइस। तो भाई ये पूरा महीना रहेगा, ये 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और 23 अक्टूबर को ये ख़त्म होगा। सो गाइस बेसिकली इंडिया के लिए होगा गाइस, जो आपको नॉर्मल मतलब जैसे कि ग्लोबल चैलेंज ख़त्म होने पे ही म्यूटू आ जाएगा गाइस 1 बजे इंडिया में या गाइस, और आप खूब रेड करें, क्योंकि इस बार म्यूटू ना पकड़ा तो क्या पकड़ा गाइस, ये ही है सबसे बेस्ट पोकेमोन, और आई थिंक गाइस शाइनी भी मिल सकता है गाइस, अब तो देखते हैं अब क्या होता है गाइस, अब शाइनी मिल रहा है या फिर नॉर्मली म्यूटू रहेगा। तो हम इस पब्लिक पासेस से भी इन लोग को रेड कर सकते हैं गाइस, तो खूब रेड करिए गाइस, और गाइस एक बात, आप बिल्कुल भी रेड पासेस या आपके पास जो कॉइन्स है वो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि इनके जो गिफ्ट उसमें जो रिवॉर्ड्स के साथ जो गिफ्ट्स भी आएंगे गाइस शॉप में, तो उसमें बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ होंगे लाइक प्रीमियर पासेज या लकी एग्स, तो अगर आप लकी होते तो आपको शायद शाइनी मिल जाता है। तो गाइस अब क्या पता, अब देखते हैं म्यूटू कब तक रहता है गाइस, अब ये पूरे 1 महीने के लिए है तो आप खूब पकड़ सकते हैं, क्योंकि जनरेशन 1 कंप्लीट करने के लिए नैंटिक, क्योंकि अगले साल जनरेशन 4 आ रहा है, तो नैंटिक ने सोचा इस बार जनरेशन 1 कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि गाइस ईएक्स पास बहुत से लोगों को नहीं मिल पाता है, खास करके गाइस जो पब्लिक है मतलब, तो उनको बहुत से नहीं मिल पाता है गाइस, क्योंकि
वो पूरी तरह अटेंड नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन जिम्स में वो अटेंड रहता है, लेकिन तब पर भी उनको ई एक्स पास नहीं मिलता है, बहुत ही कम लोगों को ई एक्स पास मिलता है। तो उस नेंटिक ने यही अभी क्या है कि ये विदाउट ई एक्स पास का म्यूटू रेड होगा, ठीक है। तो गाइस इस बार बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, गाइस क्योंकि गाइस विदाउट ई एक्स पास का पकड़ सकते हैं गाइस। मैंने भी मतलब मुझे भी अभी तक म्यूटू नहीं मिला गाइस, ई एक्स पास तो मिला ही नहीं, तो म्यूटू का रेड क्या करूँगा। तो गाइस मुझे भी नहीं मिला, तो मैं इस दिन इस बार मैं पकड़ूंगा गाइस को, आई होप आप लोग भी पकड़ेंगे गाइस, क्योंकि इस बार म्यूटू ना पकड़े तो और क्या मज़ा आएगा। तो गाइस अगर आप पोकेमोन को खेलना बंद कर दिए हैं तो गाइस वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, विदाउट ई एक्स पास म्यूटू मिलने वाला है। या अब बात करते हैं गाइस अल्ट्रा बोनस की, गाइस अल्ट्रा बोनस गाइस 7 किलोमीटर एक्स मिलेंगे, जिसमें हमें फारफेच कैंगेस खान मिस्टर माइन और टोरोज मिलेगा। या गाइस जैसे गाइस कंगेस खान जो सैडनी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है गाइस, तो बहुत से पोकेमोन जो आपको सही जगह पर नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली जहाँ ज़्यादा पोके स्टॉप्स नहीं है, तो अगर आपको नहीं मिल पाता है गाइस तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि 90 जनरेशन 1 जल्द से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है जनरेशन 4 निकालने के लिए। सो इस बार नैंटिक ने ये 7 किलोमीटर एक्स में जो अभी अलोना फॉर्म्स एक्स है, जिसमें अलोना पोकेमोन्स निकलते हैं, उसमें से डिजिटली जनरेशन 1 के पोकेमोन्स मिलेंगे। मतलब गाइस पूरे महीने जनरेशन 1 कंप्लीट करो, जितना खेलना गाइस खेलो। और गाइस अगर आपने बहुत से मतलब पोकेडेक्स में जनरेशन 1 के बहुत से पोकेमोन अनलॉक नहीं किए तो अनलॉक कर लीजिए गाइस। तो गाइस अब अल्ट्रा रिवॉर्ड्स में गाइस जैसे कि आगे ग्लोबल चैलेंज गाइस म्यूटू और ये, तो गाइस यही अल्ट्रा बोनस के साथ साथ आई थिंक हमें और भी कुछ उस दिन रिवॉर्ड्स मिलेंगे गाइस। तो गाइस तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें गाइस, जिनको नहीं पता मतलब ग्लोबल चैलेंज के बारे में जो अभी इवेंट आई है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए गाइस, और एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अभी पोकेमोन गो पे और भी न्यू इवेंट्स और न्यू अपडेट्स के बारे में पोकेमोन गो पे न्यू वीडियो बनाऊँ। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।